तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ मी आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर का एक फुल रिव्यू, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा है। और तो बने रही मेरे साथ। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बॉक्स पे। तो इसका बॉक्स मुझे काफ़ी पसंद आया है, और इसे कुछ फीचर जो इसके बॉक्स में मेंशन है, जैसे कि ये 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम देता है, और IPX5 वाटरप्रूफ है, और साथ में इसके जो बॉक्स है वो उस पर इसका मी आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर लिखा हुआ है, और इसके बैक में से कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो जैसे कि इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो 2000 mAh की है, और इसका जो पावर आउटपुट है वो 5 W का है, और साथ ही 210 grams का है, और साथ ही इसमें ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड है, और ये आपको 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम देता है, और 10 मीटर का इसका रेंज है। और आपको इस बॉक्स में आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, एक चार्जिंग केबल है, और एक यूज़र मैनुअल है। और इसका जो प्राइस है MRP जो वो 1999 का है, बट आपको ये MI.com पे 1399 में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या यूनिट्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, और ये है हमारा मी आउटडोर स्पीकर्स, और साथ ही साथ ये USB टाइप की चार्जिंग केबल है, माइक्रो USB टाइप की चार्जिंग केबल, और ये छोटा सा यूज़र गाइड जो MI की तरफ से प्रोवाइड किया था, जो काफ़ी छोटा ही रहता है, और जो इसकी पैकेजिंग है। बाकी चलिए बॉक्स को साइड कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है, और जो इसके साइड्स में है, और जो ये स्ट्रैप जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी मटेरियल से काफ़ी अच्छा है, और इसके स्ट्रैप पे आप तो ये स्लाइडर दिया हुआ है, जिससे आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इस पे स्लाइडर पे आपको यहाँ पे मी का लोगो प्रोवाइडेड है, और इसके आपको यहाँ पर साइड्स में आपको यहाँ पे एक साइड में इसको पावर बटन, यहाँ पे इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको प्ले एंड पॉज बटन प्रोवाइडेड है, और दूसरे साइड में आपको इसके बैक में यानी बॉटम में आपको यहाँ पर कवर था, यहाँ पर आपको USB चार्जिंग डॉक है, और यहाँ पर ऑक्स केबल के लिए भी सपोर्ट दिया हुआ है कि आप ऑक्स केबल ला के इसको प्ले कर सकते हैं। और इसके तीसरे साइड में यहाँ पर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन का है डेडिकेटेड अलग से, और यहाँ पर आपको ये स्ट्रैप दिया हुआ है टॉप साइड में, और इसका ओवर चलिए इसको पावर ऑन कर लेते हैं। तो ये पावर ऑन हो चुका है। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये मैं Redmi Note 7 Pro है, और इस पर हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर है मी आउटडोर स्पीकर। तो मैं ऑलरेडी कनेक्ट पहले भी इसको पेयर कर चुका हूँ अपने मोबाइल से। कनेक्टेड, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। और चलिए मैं अपने वीडियो में प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इसका जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका आवाज़ मुझे काफ़ी पसंद आया, और चलिए मैं कुछ साउंड्स प्ले कर लेता हूँ। साउंड भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। और चलिए अब आगे बात करते हैं इसके डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और इसका रिव्यूज़ के बारे में, कि मुझे कैसा लगा।
तो अगर बात करें इसके डिज़ाइन उसके बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी उसका जो नीचे का बैक है मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है, और साथ ही साथ जो इसका जो स्ट्रैप ये दिया हुआ है उसका मटेरियल जो ब्रेडेड स्ट्रैप ब्रेडेड टाइप का है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब अगर बात करें इसे कुछ और फीचर्स की, तो ये इसमें आपको गूगल का और सीरी का दोनों का वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही ये IPX5 की रेटिंग होने के कारण ये स्प्लैश प्रूफ भी है, और ये इसमें आपको बहुत ही लाइट वेट है ताकि सब इजीली कैरी भी कर सकते हैं। और अगर बात करें इसे साउंड क्वालिटी की, तो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इसमें बेस काफ़ी अच्छी प्रोवाइडेड है और इक्वली बैलेंस है, इसमें डायनेमिक साउंड इफेक्ट देता है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी अलग काफ़ी अलग अलग प्रोवाइडेड है जो आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव कर देती है। और साथ ही साथ इसमें आपको वन की कॉल फंक्शन यानी कि आप वन की टच से ही इसमें आप कॉल और कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये फीचर भी इसमें काफ़ी अच्छी है। तो गाइस ये थी मेरी रिव्यू की आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर से, और मैं जल्दी ही यहाँ पर पास एक और प्रोडक्ट है बोट का स्टोन 190, तो इसका भी मैं रिव्यू जल्दी ही आप निकाल दूंगा, और फिर इससे मैं एक दोनों का एक कंपेरिजन भी कर लूँगा क्योंकि दोनों सेम वॉच से चार्जर और दोनों पैर दोनों सेम है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मैं आपको देखता हूँ वीडियो में। और हाँ रिकॉर्ड है मैंने रिसेंटली जो MI के रिवर ड्राइवर की अपने फोन से मैंने वीडियो भी परचेज की है, तो उनके भी रिव्यूज जल्दी ही आ जाएंगे वीडियो पर। बस अकेले बाय।